मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत आज दिनांक 10 फरवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र मुरादाबाद की ओर से एक आकर्षक जनजागरण कार्यक्रम नगर संसाधन केंद्र मुरादाबाद पर आयोजित किया गया, जिसमें रंगोली बनाकर और कैंडल की लौ जलाकर एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया गया। नगर क्षेत्र मुरादाबाद के विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाओं के द्वारा 14 फरवरी को मतदान करने के लिए मेरा वोट मेरा अधिकार और महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सुंदर रंगोली बनाई गई, जिस पर मौजूद सभी शिक्षकों ने मोमबत्ती की लौ जलाकर अपने सभी परिचितों बच्चों के अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने और अपने स्वयं का मतदान जरूर करने की अपील की गई। इसके उपरांत मतदाता जागरूकता के संबंधित स्लोगन लेकर मानव श्रृंखला का निर्माण कर लोकतंत्र के महान पर्व में एकजुट होकर सहभागिता के संकल्प को दोहराया गया। कार्यक्रम के अंत में नगर शिक्षा अधिकारी नगेंद्र कुमार ने मौजूद सभी शिक्षकों के प्रयास की सराहना करते हुए सभी से निष्पक्ष व निडर होकर मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर शिक्षा अधिकारी नगेंद्र कुमार, कार्यक्रम के संयोजक राहुल शर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कौशिक, SRG ऋतु त्यागी, मिशन शक्ति की फैसिलिटर रोशनी वर्मा के अलावा नीतू सिंह, मनीषा पवार, तनुषी मित्तल, रत्नेश बाला, प्रतिमा कुमारी, मनीला शर्मा, सीमा सिंह, अर्चना रानी, आयशा नूर, कुमकुम चौधरी, शालिनी, कंचन सिंह, मंजीत देवी, रीता सिंह हरित, आशा बडोला, नगमा खान, विष्णु भारद्वाज, यासीन खान, वीरेंद्र कुमार, सतीश कुमार, दिलीप कुमार सहित काफी संख्या में शिक्षक आदि मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे? आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो स्वीप निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नगर संसाधन केंद्र पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों के द्वारा रंगोली बनाई गई और मोमबत्ती जलाकर जो है एक संदेश दिया गया कि सभी लोग मतदान 14 फरवरी को अवश्य करें। जी, तो अपने हम मुरादाबाद के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से, शिक्षकों से और सभी लोगों से, अभिभावकों से और नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि 14 फरवरी को अपना मतदान अवश्य करें। पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि उसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो।